So guys, I finally reached Jabalpur and मेरे को pick up करने एक भैया आ रहे हैं अभी. So probably मैं यार मैंने workout नहीं किया 6-7 दिन से, फिर भी pump बहुत अच्छा है. I guess bag उठाए होंगे. Hey guys, welcome back to my vlogs. I know बहुत दिन बाद आ रहा हूँ, पता है मुझे. एंड उसका रीज़न भी बताऊँगा आगे. एंड अभी आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसे ड्रेसअप होकर कहाँ जा रहा हूँ, तो अभी मैं अपने फ्रेंड के एक अंकल के तिलक पे जा रहा हूँ. ये बाल क्या रखें, एक मिनट रुको. हाँ, आई गेस अब ठीक है. सो बिना लेट किए हुए चलते हैं सीधे, काफ़ी लेट हो चुका है. इट्स ऑलरेडी लाइक 10. सो लेट्स गो एंड हैव सम फन देयर. ये देखो, ये लौंडा खड़ा हुआ है यहाँ पे. रिमेम्बर द स्पेस, जिसी ने गाना नहीं गाया था, याद है ना आप लोग. तो सात्विक, कैसे लग रहा है आपको आपकी शादी में? देखो, मेरी शादी है नहीं, मेरे चाचा की शादी है. मेरी शादी को अभी 8 साल है. सबको समझ में आना, 8 साल है इसकी शादी में, तो 8 साल में इसकी शादी हो जानी थी. सो आई एम बैक होम नाउ. मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है. वो अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको नेक्स्ट शॉट में दिख जाएगा. और हाँ, मैं बोल रहा था ना कि ये ब्लॉग्स क्यों लेट आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आई हैव स्टार्टेड अ जॉब एंड देयर आई हैव टू स्पेंड लाइक 12 आवर्स अ डे. और जो मेरे वीकेंड ऑफ होते हैं, डैट विल बी ऑन मंडे एंड ट्यूजडे. मेरा सैटरडे संडे वीकेंड नहीं होता. तो या आई विल बी मेकिंग ब्लॉग्स ऑन ट्यूजडेज एंड मंडेज. तो बेसिकली आपको अब प्रोबेबली, अगर कंटेंट रहा सही, तो यू विल बी गेटिंग व्लॉग्स एवरी वीक. नहीं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा. एंड या अब सीधा मैं जाऊँगा सोने एंड मीट यू द नेक्स्ट डे. हे एवरीवन, इट्स 5 in the morning एंड आप सोच रहे हो कि मैं इतना जल्दी क्यों उठ गया. 6 बजे मेरी ट्रेन है, आई हैव टू गो टू जबलपुर. हाँ, समझ गया होगा, दीदी को मिलने जाता हूँ. Yes, so I'll be staying there for. क्यों मैं जानना है जल्दी, लेट टू नो, सब अभी जानना है, सबर कर थोड़ा. यार लिटरली दिस गाय वॉज कफिंग लाइक हेल, आई डोंट नो वाई. और इसने वर्स द वर्स्ट पार्ट इज, इसने फेस भी कवर नहीं किया होता ढंग से, मास्क भी निकाल रखा हुआ था और बगल में बैठ के कफ किया जा रहा था. तो मेरे को दूसरी सीट पे शिफ्ट करना पड़ा. कोई नहीं, आप जर्नी इन्जॉय करो, तब तक होता रहता है ऐसा. We'll be right back.
सो गाइस आई फाइनली रीच्ड जबलपुर एंड मेरे को पिकअप करने एक भैया आ रहे हैं अभी तो प्रॉब्ली मैं उनको ढूंढूंगा अभी गेटिंग हिम सून एंड रीचिंग द वे आउट ऑटो वाले को कहां जा रहा है भाई Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hi everyone, मेरे को एक घंटा हो गया यहाँ पहुँचे हुए. मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया. And thanks to the people who helped me out. And अब मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है आगे की मैं व्लॉग शूट करूँ. तो बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएंगी. दी अभी ऑफिस गई है और जब वो ऑफिस से आएगी लंच ब्रेक पे तो मैं उससे मिलूँगा. तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगी. एंड इस प्लेस का मैं छोटा सा टूर भी दूंगा, दिखाऊंगा कि यहाँ कैसे क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है. और टिल दैट टाइम इफ़ यू लाइक द वीडियो फॉर व्हाट सो एवर रीजन डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो. एंड या डू टेल मी कि विच पार्ट ऑफ द वीडियो यू लव द मोस्ट. एंड यार मैंने वर्कआउट नहीं किया 6-7 दिन से, फिर भी पंप बहुत अच्छा है. आई गेस बैग वैग उठाए होंगे. नहीं नहीं नहीं, दैट्स नॉट द रीज़न. यू नो दैट नॉलेज इज पावर. एंड ईट राइट, ईट क्लीन. एंड या सी यू नेक्स्ट टाइम अहेड. चीयर्स.